शाखानो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आसिफ अंसारी। आइए देखते हैं दो मिनट में दर्जन खबरें। कांदिवली में 15 साल के बच्चे ने बिल्डिंग की 14वीं फ्लोर से कूदकर किया सुसाइड। बुधवार को मोबाइल फोन का डेटा मिलने पर पुलिस ने बताया, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और अपने दोस्तों से माफी मांगा। पुलिस ने बताया, रात भर फोन में गेम खेलने से उसको मना किया गया था, जिससे वह उदास था। जोगेश्वरी से पकड़े गए 1.5 करोड़ रुपए कीमत के सभी ई टिकट रद्द कर दिए गए। सलमान अहमद नामक इस व्यक्ति के लैपटॉप से रेलवे ने 6853 ई टिकट पकड़े थे, जो उसने अलग अलग नामों से IRCTC की वेबसाइट से बुक करा रखे थे। सलमान अहमद को स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उल्हासनगर महानगर पालिका में फाइल चोरी करते पकड़े गए मनोनीत नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी का क्या होगा, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। उनके सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद उनकी खुद की जनता पार्टी, BJP और दूसरे प्रतिद्वंद्वी दलों ने मुद्दे पर एक तरह से चुप्पी साध ली है। 5 साल से उस बच्ची ने अपने घर वालों को नहीं देखा था। थाने पुलिस के चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ने घर वालों से बिछड़ी 16 वर्षीय नाबालिग के घर वालों को खोज निकाला। स्वच्छ भारत अभियान के तहत किए गए सर्वे के अनुसार राज्य की राजधानी की श्रेणी में मुंबई को स्वच्छता के मामले में देश में पहला स्थान मिला है। दिल्ली में स्वच्छता सर्वे के परिणाम बुधवार शाम को घोषित किए गए। सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे लोगों से सरकार यदि अपने परियोजनाओं के लिए जमीन खाली कराती है तो अब उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। केंद्र व राज्य सरकार की सार्वजनिक महत्व की परियोजनाओं के लिए जमीन खाली कराने पर सरकार ने एक मुश्त मुआवजा देने की बात कही है। शिवसेना के नेता और राज्य के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इसका जमकर विरोध किया। उन्होंने BJP पर आरोप लगाया कि खार जमीनों पर किफायती घर बनाने की योजना गरीबों की आड़ में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। 3 दिन पहले महाराष्ट्र ATS चीफ अतुल चंद्र कुलकर्णी ने मीडिया से बातचीत में बताया था कि मुंबई, गुजरात और UP पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। जिस मिर्जा खान को मुंबई हमले की जिम्मेदारी दी गई थी, उसे पिछले सप्ताह बैरमबाग से गिरफ्तार किया गया। अल्लाह रखा अबू बकर मंसूरी को गुजरात में दहशत फैलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। 9 माइनर्स को पुलिस ने हिरासत में लिया, जो मुंबई और थाने के बीच बाइक चोरी करते थे। माइनर्स की उम्र 10 से 15 साल बताया जा रहा है। मास्टर की मदद से वो लोग बाइक चोरी कर लेते थे और पेट्रोल खत्म होने के बाद बाइक को कहीं भी रख दिया करते। बॉलीवुड के रेस में अभिनेता सलमान खान इन दिनों सबसे आगे है। ऐसे में हर कोई सलमान खान की फिल्म का हिस्सा होना चाहता है। अब यह मौका मिला है धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और बागी 2 फिल्म एक्ट्रेस दिशा पटानी को। खबरों की माने तो सलमान खान के प्रोडक्शन में बनने वाले फिल्म भारत में प्रियंका चोपड़ा के बाद अब दिशा पटानी को भी लीड रोल के लिए लॉक कर दिया गया है। IPL में मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच हुए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने 3 रनों से एक शानदार जीत अपने नाम दर्ज की। Share and subscribe. Shaka 9 News. Mat bhulna.